कि वो कैंसिल हो गया, वहां नहीं जा सकती हूँ, बाबू कहीं जा नहीं सकता, मैं बाहर कहीं नहीं निकल सकती, है ना, बच्चों को ज्यादा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समर्थ बेबी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डे है मंडे और इवनिंग का टाइम है, तो मैं छत से सारे कपड़े लेके आई हूँ, तो यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ मैं। और मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है, तो वो ही बच्चों के साथ खेल रही है, तो मैंने सोचा चलो छोटा सा एक क्लिप ले लूँ, बिकॉज आप लोग भी बोलेंगे इस बार आपकी सिस्टर इन लॉ आपके यहाँ नहीं आई क्या, क्योंकि हो जाता है ना, आप लोग पूछेंगे। मैंने बताया था कि श्रेया आई है, तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट जरूर करते कि ना आपकी सिस्टर इन लॉ क्यों नहीं आई। वैसे ही मेरे फादर इन लॉ को लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, तो बस रीज़न यही था कि मैंने क्लिप बनाया, क्योंकि होते हैं ना बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो फटाफट चलिए मैं कपड़े लगा के फिर आज बनाऊंगी मैं कुछ सांबर, या देखते हैं क्या बना। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सांबर। सांबर के लिए मैंने सारी चीज़ें लिए हैं, वेजिटेबल, टमाटो, और ये घिया है जिसको बोलते हैं कद्दू वो, और ये अनियन है, पत्ते वाला जो अनियन आता है वो है, और ये वैसा नॉर्मल अनियन है, बीन्स है, और आलू है, और बाकी गाजर वगैरह कुछ भी नहीं था, तो जो था उसी में बनाना था। तो यहाँ पे मैंने लिया राई, हींग, और थोड़ा सा साबुत धनिया, और दो तीन रेड चिल्ली साबुत, तो देख सकते हैं यहाँ पे। और जो अभी मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, वाकई में ही बहुत अच्छी बनी है सांभर, रियली में खाने में बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। और बस ये था कि मैंने ना इडली बनाया और ना ही डोसा बनाया, सिंपल राइस के साथ खाई थी, बहुत ही यम्मी लगा था खाने में। सबसे ज़्यादा मनीष जी को बहुत पसंद आया। यहाँ पे देख सकते हैं अरहर दाल जो कि बन के रेडी है मेरा, तो बस पहले उसको मैं मसाले को अच्छे से भून लूंगी। और एक क्लिप ना मुझसे डिलीट हो गया, पता नहीं वो मिस हो गया, कि मैंने इसमें पानी ऐड किया था उस वेजिटेबल को पकने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट वेजिटेबल सारे पक गए हैं, तो मैं आलू को देख लेती हूँ पका है या नहीं। तो देख सकते हैं आलू भी पक गया है मेरा, तो अब इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। तो मैं सांभर मसाला मार्केट से जो लाई हूँ वही यूज करूंगी, बिकॉज मेरे पास मतलब खुद का बनाया हुआ मसाला नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं दो स्पून लिया है मैंने सांभर मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, क्योंकि सांभर मसाले में सब कुछ होता है ऑलरेडी, तो टेस्ट तो मेन आता है सांभर मसाले से ही। और कलर जो थोड़ा बहुत आता है वो कसूरी मिर्च यूज़ करें आप, लाल जो कसूरी मिर्च होता है उससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल कलर चेंज हो गया है वेजिटेबल का। तो इसको मैं 5 से 7 मिनट तक भून लूंगी और फिर इसमें दाल ऐड कर दूंगी। बाबू बहुत परेशान कर रहा था उस टाइम पे, बहुत रो रहा था, तो बस फटाफट जितना हो सका उतना पॉसिबल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं सांभर बन गया है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, इसमें मुझे इमली डालना है, पानी डालना है, और इसको कम से कम मुझे 5 से 10 मिनट्स इसको बॉइल्ड करना है। तो ये इनकम्प्लीट है सांभर, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फाइनल होगा पॉसिबल तो दिखा दूंगी, क्योंकि बाबू परेशान कर, इमली अभी मैंने डाला नहीं है इसमें। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ ये सांभर की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्विक बनाने वाली, तो एक लाइक जरूर। किट्टू, ए किट्टू, किट्टू अंदर खेल रहा है, किट्टू चलिए अंदर चलते हैं, लाइट को कर देती हूँ ऑफ। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है नाइट के 9:30, और नीचे ताला वगैरह सब कुछ लग चुका है, क्योंकि वायरस तेजी से फैल रही है। और मैंने आप लोगों के साथ सांभर की रेसिपी शेयर की, जिसमें एक चीज मिस था, तो उसमें क्या मिस था मैं बता देती हूँ। इमली मैंने बताया नहीं आप लोगों को, मैं खुद भूल गई थी कि इमली डालना है, बिल्कुल जब लास्ट में बन गया उसके बाद जब हम खा रहे थे ना, लग रहा था कुछ मिसिंग है, तो फिर मनीष जी इमली लेके आए हैं, वाकई बहुत अच्छा बना है खाने में। ओहो, ठीक गाइस, अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं बनाने आई हूँ किचन में राइस, दिखाते हैं। ये देख सकते हैं चावल बनाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग का था रखा एक कटोरी चावल, तो मैं तो सांभर के साथ ब्रेड ही खाऊंगी, क्योंकि चावल उतना पसंद नहीं है, लेकिन खा लूंगी अब बना रही हूँ। तो मुझे लगा शायद मनीष जी का हो जाएगा, लेकिन ना पता नहीं चावल कैसे खराब सा लग रहा है मुझे, और फिर इस टाइम पे ना खराब, थोड़ा भी खराब होना अगर लग रहा है तो नहीं खाना चाहिए। तो बस इस वजह से देख सकते हैं पतीले में मैंने रखा है पानी बॉइल्ड होने के लिए, क्योंकि पसा के बनाऊंगी।
चावल। और रीजन दूसरा क्या है वो मैं बता देती हूँ, चावल को पसा के बनाने का मतलब मार निकाल के, रीजन ये है कि हमारे पानी हो गई है खत्म, जो पानी पीने वाला होता है ना वो खत्म हो चुका है, तो मुझे टंकी के पानी से ही बनाना पड़ रहा है राइस, तो इस वजह से इसको पसा के बनाऊंगी। और सांभर कैसा बना है वो हो सकता है तो मैं मनीष जी से पूछवाऊंगी। आज मैंने बोला है कि आपको आना पड़ेगा ब्लॉग में। क्या अबू बू बू कर रही है किट्टू? क्या कर रहे हो? हाय बोलो, हाय बोलो, बोलो हाय हाय कर, हाय कर दो, हाय हाय हाय। नहीं करोगे? किट्टू का मालिश वालिश सब हो गया है ना किट्टू? इसको सब चाहिए, रूम में ही सब चाहिए, मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, सब एक जगह ही चाहिए। तो चलिए मैं चावल बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलूंगी मॉर्निंग में। और ये जो ब्लॉग है आज मंडे का है, लेकिन आप लोगों को ये देखने को वेडनेसडे को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक ब्लॉग है जिसको मैंने पब्लिश होने के लिए, मतलब वो पब्लिश हो चुका है, प्राइवेट है अभी, उसको मुझे पब्लिश करना है, वो मैं करूंगी ट्यूजडे को, कल करूंगी। और ये वाली ब्लॉग आप लोगों को वेडनेसडे को मिलेगी। हाँ बच्चा, फेस दिखाओ, फेस दिखाओ, किट्टू हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। इनके डिमांड पे इतनी रात को मैं बना रही हूँ चावल, लगता है मैं बनाती नहीं बनाती। अच्छा सांभर कैसे बना बताओ? बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा, डर की वजह से ना? डर में बोल रहे हो किट्टू? डर के बोलो, किट्टू नहीं डर सकता किसी से भी। जय 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 जय। तो चलिए गाइस, इसमें आ रहा है उबाल। अभी मैंने बोला था ना आप लोगों को कि मैं पूछवाऊंगी उनसे कैसा बना है, नहीं ऐसा डर के नहीं बोल रहे, वाकई में अच्छा बना है। इनको कुछ चीजें शायद ही, अगर मैं 10 चीज बनाऊंगी तो उसमें से 2 चीज इनको पसंद आएगी, अदरवाइज जल्दी आती नहीं है पसंद। तो इनकी फरमाइश थी चावल ही खानी है, मुझे लगा था हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, तो बना रहे। चलिए मिलूंगी आप लोगों से मॉर्निंग में, गुड नाइट। गाइस गुड इवनिंग, अभी टाइम हो रहा होगा 4:30 का और बाबू अभी भी जस्ट सोया है। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए सामने घर है ना, कुछ भी नहीं देख पाते, बारिश हुई है, हल्की हल्की हुई है, ज्यादा नहीं हुई है। मैंने कपड़ा वॉश किया था, वो भी मेरा ऐसे ही, कपड़े भी मेरे ऐसे ही रह गए वॉश किए हुए, बिकॉज मुझे करना इसलिए था क्योंकि बाबू का कपड़ा था, 2-3 टी-शर्ट्स हैं उसके पास फुल स्लीव्स के, बाकी नहीं है। और ये मौसम अभी फुल स्लीव्स ही पहनानी है बच्चों को। और सुमिति उनका नाम है आई थिंक, उन्होंने मुझे बोला है, वो भी ब्लॉगर है, उन्होंने मुझे बोला था कि गले में कुछ पहन लो, और उन्होंने ही मुझे नोटिस किया कि मैंने गले में नहीं पहना हुआ है, बाकी किसी ने भी नहीं बोला है। तो थैंक यू डियर, मैं कल पहन लूँ, मतलब आज पहन लूंगी, मैंने निकाल के रख दिया था क्योंकि वो फंस गया था, इस वजह से मुझे खोलना पड़ा।
तो आज मैं वेल कर लूंगी। और इधर चाय बन रहा है, चाय सिर्फ मैं मनीष जी के लिए बना रही हूँ, मैं नहीं पीऊंगी। सुबह भी पी ली ना, दो दो बार चाय नहीं पी सकती। अब मैं एक ही बार पीऊंगी शाम में कॉफी, शाम में मतलब वही 6:30 बजे तक पीऊंगी कॉफी। और क्या कहना था, और बस ये है कि बाबू परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कम नहीं बहुत ज्यादा कर रहा है। क्यों? रीजन ये है कि ना अब सिस्टर इन लॉ भी नहीं आएगी और श्रेया भी नहीं आएगी यहाँ पे। जो आप लोगों ने अभी देखा वो सिस्टर इन लॉ मेरी थी, बड़ी वाली, वो आई हुई थी, तो ना मना कर दिया गया यहाँ पे आने से उनको। जो मेरे मकान मालिक है उन्होंने बोला कि ना बाहर के लोग यहाँ नहीं आएंगे, तो बहुत बुरा लग रहा है। बाबू रह नहीं रहा है, बहुत परेशान कर रहा है बाबू। फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमें पता है कि वो लोग सिर्फ घर में रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है, लेकिन ना इन लोगों को शायद नहीं लगा। तो अभी हमारा खुद का घर नहीं है, हम खुद अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तो बस कहीं ना कहीं दुख होता है ना कि जीते जी अपने लोगों से दूर हो गए। तो ये सिर्फ इसके कारण, वायरस के कारण बाबू भी इतना परेशान रहता। छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे होंगे इस टाइम, किट्टू ही नहीं, सारे के बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मैं मम्मी के घर जाने वाली थी, वो कैंसिल हो गया, वहां नहीं जा सकती हूँ। बाबू कहीं जा नहीं सकता, मैं बाहर कहीं नहीं निकल सकती है ना, बच्चों को ज्यादा डर है, और फिर वो लोग नहीं आ सकते, तो एक अजीब लाइफ हो गई है ना, बंदिश वाली, अजीब। सच में मतलब लोग मर के बिछड़ते हैं लोगों से, लेकिन यहाँ तो ये कंडीशन हो रखी है ना कि जीते जी लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। घर के पास ही रहते होंगे उनके रिलेटिव, मेरे ही नहीं सब बहुत लोगों के होंगे, वो लोग भी नहीं मिल पा रहे होंगे अपने खुद रिलेटिव से। तो बस इस वायरस ने, भगवान से, मैं माता रानी से दुआ कर रही हूँ कि माता रानी आप 9 दिन रहोगी, 9 दिन के अंदर अंदर ही वायरस खत्म हो जाए, मैं यही दुआ कर रही हूँ। आप लोग भी यही दुआ करिए। तो चलिए, ये ब्लॉग हो जाएगी लॉन्ग ही हो रही है मोस्टली मेरी, 2-3 ब्लॉग 2-3 दिन से जो आ रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, तो अच्छा लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा। बाय बाय।